हे गाइस, फर्स्ट टॉपिक में हमने जाना था कि इमल्शंस क्या होते हैं। अब जानेंगे हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। मीन्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट टॉपिक में कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स आप यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि दो इमिक्सिबल फेज जो यूज़ किए हैं आपने इमल्शन में उनको प्रॉपर मिक्स करने के लिए आप थर्ड सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। अब फर्स्ट जो आपका टाइप है इमल्सिफाइंग एजेंट्स का वो होते हैं नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। मीन्स नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो किससे हम क्या सोर्स होता है इनका, किससे हम इनको प्रोड्यूस होते हैं, ये किसी से वेजिटेबल सोर्सेज से। अब वेजिटेबल सोर्सेज से जो प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट वन है आपके जैसे अकेसिया, ट्रिगाकेंथ, अगर, स्टार्च भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल सोर्सेज से ऑप्टेन होने वाले इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वन है जो नेक्स्ट टाइप है इसका नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फ्रॉम एनिमल्स। जो एनिमल सोर्सेज से आपको प्रोवाइड होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स वो हैं आपके जेलेटिन, एग योक। एग योक से जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स या कहें प्रोटीन होता है एग योक में एक लेसिथिन, लेसिथिन प्रोटीन को एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट्स आप यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या है, आप एग योक जो अंडे की जो पीली जर्दी होती है उसका यूज़ करके आप एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और जिलेटिन इसमें यूज़ किया जाता है, बुल फैट यूज़ किया जाता है और भी हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। थर्ड देखिए सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स। अब सेमी सिंथेटिक क्या मीन्स जो आपने अकर किए हैं कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स से और उसको क्या कर रहे हैं आप सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब के अंदर, तो दिस इज़ कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। मतलब अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो एज अ सेमी सिंथेटिक यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ जो फोर्थ एंड लास्ट टाइप है इसका सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, फर्स्ट वन आयनिक, सेकेंड वन कैटायनिक, थर्ड वन नॉन आयनिक। एन आयनिक मीन्स नेगेटिव चार्ज वाले, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले, एंड एन नॉन आयनिक जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो मोस्टली आपकी जो एनायनिक एंड कैटायनिक टाइप की इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल यूज़ किए जाते हैं, एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं। मीन जो एक्सटर्नल फॉर्मुलेशन बनाएंगे आप इमल्शन के उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। और नॉन आयनिक क्या होते हैं आपके, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। अब जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने एक्सप्लेन किए हैं, अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स को आप कैसे चूज़ करेंगे अपने इमल्शन को फॉर्म करने के लिए, तो इनको चूज़ करने के लिए कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स को चूज़ करने के लिए। ये हेडिंग देख रहे हैं आप, सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का किसी भी इमल्शन को बनाने के लिए, तो फर्स्ट वन क्या है आपके कि ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स को आप चूज़ करेंगे जो क्या करें, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करें। सेकेंड वन क्या है, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, मीन्स कोई भी टॉक्सिटी प्रोड्यूस ना करें। थर्ड वन क्या है आपके, केमिकली कंपेटिबल होने चाहिए, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन क्रिएट ना करें आपके इमल्शन फॉर्म होने के बाद। मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी फॉर्म ना हो। ठीक, तो केमिकल कंपेटिबल होना चाहिए इन्हें। एंड लास्ट वन है ऑर्डर टेस्ट कंपेटिबल विथ प्रिपरेशन, मीन्स इसका जो ऑर्डर है या टेस्ट है, जो भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप डिफरेंट टाइप के एग्जिबेंट्स यूज़ कर रहे हैं आपके इमल्शन फॉर्म करने के लिए, तो इनका ऑर्डर और टेस्ट कंपेटिबल होना चाहिए प्रिपरेशन के साथ में जो भी आप फॉर्मुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब तो ये तो हो गए इमल्सिफाइंग एजेंट्स के कैरेक्टर की बात। अब इमल्सिफाइंग एजेंट्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इनको सिलेक्ट करने के लिए एक स्केल दिया जाता है, उस स्केल का नाम क्या है, HLB स्केल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अब ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस किसने दिया था ये टर्म, ये दिया था आपके साइंटिस्ट थे ग्रफिन, ग्रफिन ने दिया था 1954 में इस टर्म का यूज़ किया था HLB स्केल। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, ये स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को अब यूज़ कैसे करते हैं, एक स्केल दिया जाता है, ये आप स्केल देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्केल दिया जाता है, इस पे जो मार्किंग होती है 0 से
20 तक होती है। ये आपकी जो भी ग्रिफिन के मींस 1954 में जो स्केल बनाया गया था वो 0 से 20 है, लेकिन जो रिसेंट में अब जो स्केल है वो 0 से लेके 40 तक रेंज दी गई है। तो हम जानेंगे 0 से लेके 20 तक स्केल के बारे में। तो यहाँ पे ये 0 से लेके 20 तक की रेंज दी गई है। इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है 1 से लेके 6 तक, तो इसमें क्या है आपके लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। लिपोफिलिक इमल्सिफाइंग मीन्स जो ऑयल में सॉल्युबल होते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब नेक्स्ट वन है आपके जो 8 से लेके आप रेंज देख रहे हैं 8 से लेके 18 तक, 8 से लेके 18 तक के जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोफिलिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट्स। यहाँ देख रहे हैं आप ऑयल इन वाटर टाइप मीन्स जब भी आप इस टाइप का इमल्शन बनाएंगे तो हाइड्रोफिलिक टाइप के आप इमल्सिफाइंग एजेंट चूज़ करेंगे, और जब भी आप इस टाइप का इमल्शन बनाएंगे तो आप लिपोफिलिक टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे। तो इस स्केल की रेंज के अकॉर्डिंग आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स की मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके होते हैं स्पान वगैरह होते हैं, ये स्पान क्या होते हैं, ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका HLV जो स्केल जो वैल्यूज़ होती है 3 से 3.5 के समथिंग होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे आपके ट्वेन होते हैं, तो ट्वेन ट्वेंटी क्या होते हैं, इनका HLV जो नंबर होता है वो 15 होता है। तो HLV नंबर 15 होने की वजह से ये ट्वेन ट्वेंटी क्या है आपके हाइड्रोफिलिक टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं। तो इनको इस तरीके से आप इस स्केल का यूज़ करके इमल्सिफाइंग एजेंट को चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट्स चाहिए होगा, किस टाइप की इमल्शन को फॉर्म करने के लिए। अगर आप वाटर एंड ऑयल टाइप का इमल्शन बना रहे हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो चूज़ करेंगे वो ऑयल सॉल्युबल यूज़ करेंगे, और ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन बना रहे हैं तो हाइड्रोफिलिक नेचर टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे।